তার একটু সামনের দিকে তাকাই। थैंक यू फ्रेंड्स इन द मीडिया, सबको मीडिया से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू दैट हमारे तीपरा मोथा में आज दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आर पार्टी तीपरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे एमएलए एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी बुर्ब मोहन त्रिपुरा, और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर बीएसी चेयरमैन एमएलए एक्स एमएलए गौरीशंकर रियांग। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और वीसी इलेक्शंस में तीपरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि तीपरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम बुर्ब मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द तीपरा मोथा पार्टी। द तीपरा मोथा पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन and for the constitutional rights, especially Greater Tipra land, of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders jinhone hamare party ko join kiya hai with no condition. Gauri Babu was a former deputy speaker, MLA, sitting BAC chairman. जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आए। बुर्ब मोहन त्रिपुरा जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग एमएलए थे, जब इन्होंने तीपरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं दोफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी निभाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ, और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk Tipra Motha, Harendra Tripura, Sanjay Manik Tripura, hamare TWF ke leaders log, and mere sang hamare CM bhi baithe hain, mere deputy CM bhi baithe hain, mere senior EM Chittaranjan Deb Barma wo bhi baithe hain। Main sabko thank you bolna chahta hoon, kyunki koi bhi jab naya party join karta hai तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए, और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन हुए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू बुर्ब बाबू, एंड उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूंगा कि कुछ बोलने के लिए। फिर बुर्ब अब सामने आ जाए। जो और मानजा फायनाई मीडिया तखुक तई बुकुक आनी जो चीनी अहानी बुबग्रा चीनी महाराजा तुम मानजा फायनाई चीनी एडिसनी सी एम एन डी सी रक
पीएम रत अहल मजा फाइनाई आनी ताखु बुखु मथानी जत बुरी रुरी बदल अकरा बदल सिकला बदल जतन आनी खत्मा तम भाई मसागो तमनी हिंगाई आंग तुनुई और कैसा पैला आनी परिचय आनी सिनी मुंखाई आंग बुर्ब मोहन त्रिपुरा आनी आसल सिनी मुंखाई आंग कैसा त्रिपुरा सा बुकुंग बेरा एके आनी आसल हम जकमानी खाई कैसा थैंसा ओ थैंसा तुनुई सिनी बुबग्रा महाराजा नी तुदुल मानी भाई ओ थैंसा न थुबई थैंसा खाई मान मानी बागुई तुरी आं बेलाई खाकसंग माता हम भाई न जत तुनुई त्रिपुरा मुथानी जत सामूंग टांगना रक बुद्धिजीवी आईनजीवी थे जतन आं तेबेसा खाकसंग हम भाई मासागो तमनी कई सूं और थैंसा थैंसा आं हमजाक मानी नक हमजाका तै आनी कैसा हमजाक मानी तो आसल अब खाय हा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तबक नंगनी दिसिंग जतन हमजागु सूं जत और फायका तुनु जत मीडिया रक तुनु अकग्न नक सानी बहाकाओ जे त्रिपुरा हानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाइन रक जू अंखा तमहीन थान हमजाई रक अंखा बनी बागु जू और फायमी आं तुनु बेसी कक सया एक मिनट बा डेट मिनट से कक सै तमने हिंगाई आं तुनि आचाई कताल आचाई मानी साल ओ आचाई मानी सालो आं कईसान जैया हानिया से सुरई सिनुग कक सानी हंगा आं तुनि टंथक मानी कक सानी हिने मुसुक मानी आईनी बागु कईसान जैया आं सालिया ना अबनी बागु आं जे टंथक मानी आं खाय आं तुनु जे यकमानी कक्न सानी थाय आं एक कथा आं बुजानी मुसुग जे बीनी नुखों चामी आं त्रिपुरा जाति विषय नाइटों जात और नाइटों जाति चामी हिंगाई पृथ्वीर आर बनकसल तमाहीन चाया आर कुरुई चाया बोलते बीनी नुखों चामी खाई मकर कसा कानाफो खुंजुर बाबूसा ना थो याकों कंसा लेंगा फो असुगोनी नाइटों पारानी दंग आईफना आं जे चामी साढ़े चार बसर चामी खाथेका और साढ़े चार बसर चामी आं कंसाया या कंगनी खाजा आनी बुखुक मुथुजा आं जे कष्ट खाई तंखा आईफना आनी दुख कष्ट कग्न सारानी मुसुक या आईफन तबु आनी तमाहीन आनी सांगनी कायतर हयतो साना दी हिनी हिंगा अबना आं तमाहीन नौनी थानी जत कायतनी थानी खमा सानु आं प्रथम उच्चारण खाइका जे आं कायसानी जाया थानानी हिंगा आईफन आं साजाका आईफन आनी अबती जेती सानानी हिगे कबांगमा कक्टंग आं तुनी साचिलिया आईफन जे आं चारे भांगसिनी सिमी जे सोरुंगमानी प्राकृतिक नि सिमी पशु पक्षी थानी सोरुंगमानी तंगो आं तो अनेक प्राचीन बया तमहीन तबकनी जोगनी बरक बया जेमन गरीदा गरीशंकर जा तो आनी साल आरो अभिज्ञता बयस बीसी आं एक बहत्तर दु तिहत्तर अंखा सामाया आईफोन बलाय मंत्री सन्त्री अंजा बीनी उपाधि तो अनेक दंग आं बेसी सामाया आईफोन बेसी सालिया गरीशंकर द्वारा सैखाना ना एके आं तुनु जे यकमानी यकनानी मुसुमानी जे जागा मानो आं तुनु यगै फायका तुनु ओ त्रिपुरा मुथागो आं दृढ़ विश्वास ईश्वरनि थानी सुरि सानै आं त्रिपुरा मुथानी काम खायनाय नगजत सांबादिक आनी ताखुक बुखुक माफा नब्बो माचु बनाय जत त्रिपुरा मुथानी कर्मी रब्बो माचु बनाय और तुनुनि अ साल आनी बागई तमहीन एमन साल तंग थकमानी साल
अब आरो तय छाना नहीं अनि खूब भाई पाइया इफन तुनु और ते कैसा अंग छाना नहीं मुझे मानी खाए ऐसे तुनु जे सुन जतो थांचा के सामुंग तंगाई नहीं थांचा ने बिसिंग तो सुन जे नंग मानी सुन नंगा हिंगे सुन तमाहिं अशोक से खाई ना आंग तई सालिया अपनी भगवे और जतनी थानी ते वैसा आंग खत्समा हम भाई ओ संडा जरागो जतनो ते वैसा अनि अकरानो खुलमोई और जत आनी सचलाई अनि सलाई कतन्यो काचन्य थानी सूर्य अनि कपन अरण माथक्का जतन खुलुका एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए उसके बाद आस्क क्वेश्चंस यहाँ में कोई भी आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी शंकर रियांग इज अ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर इन द त्रिपुरा असेंबली एमएलए आल्सो वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी एंड वाज अ सिटिंग बीएससी चेयरमैन तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आई वुड लाइक हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स थैंक यू সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের সর্বজনপ্রিয় মহারাজা বুবাগ্রা এবং দলের ফাউন্ডার বিল্ডার শ্রীযুক্ত প্রদ্যুত কিশোর রব্বর্মন মহোদয় আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সহোদর বন্ধুবর যিনি আজকে আপনাদের সামনে এবং এই দলে আমার সমান সংযুক্ত হয়েছেন শ্রী পূর্বমন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছেন এডিসির চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী পূর্ণমোহন জমাতিয়া মহোদয় এবং ডেপুটি সিএম আমার অনুষ স্নেহের এবং বন্ধুবর শ্রী অনিমেষ দেববর্মা মহোদয় এবং আমার পাশে আছেন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ পেছনে আমার কর্মীবৃন্দ আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি তো আমি মানে খুশি এবং আনন্দিত যে দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাব আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি সতেরোতে জয়েন করেছি আঠারোতে ক্ষমতা এসেছে এই দীর্ঘকাল কাজের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ পাইনি যার ফলে আমি বিরক্ত হয়ে আজকে আমি এই দলে সংযুক্ত হয়েছি তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত প্রায় 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত বা এই যে বিলুনিয়া ছিল এখন তো শান্তিনিকেতন বিলুনিয়া আছে এই অবিভক্ত বিলুনিয়া সাব ডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা টিউজেসের সঙ্গে সঙ্গে টিউকেস কর্মচারী সংস্থার আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার স্বজাতিদের জন্য যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন বা এই দল কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের একদিন সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তীর্যকভাবে নিন্দা করা হয়েছিল বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছিল তবুও আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে পেরেছি আমরা আশা করব আমাদের টার্গেট এখনও পূরণ হবে যাই হোক ফলেন ফল কারণ মনোমীয়তে মুখে বড় বড় কথা বলে কোনো ফল হয় না কাজের মাধ্যমেই ফল কাজের মাধ্যমেই মানুষটাকে চেনা যায় ফলের মাধ্যমে যেন আমরা গাছ চিনি তেমনি কাজের মাধ্যমেই মানুষ চেনা যায় কাজ করতে চাই কাজের মাধ্যমে আমার ফল দল বিবেচনা করবে এবং মূল্যায়ন করবে
কেন দল ছেড়েছে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি শুধু উপনিষদের একটা শ্লোকেই আপনাদের বলব যে উপনিষদের একটা খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে, শ্লোকটা যদি বলি বুঝবেন কেন দল ত্যাগ করেছে। শ্লোকে বলা হয়েছে, তেজের ধর্মং দয়াহীনং বিদ্যাহীনং গুরু তেজের তেজের ক্রোধমুখী বাচ্চার নিস্তহন বান্ধবান তেজের। সবাই বুঝেছেন নিশ্চয়ই, ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, ক্রোধমুখী বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিত্যাগ করিবে, এটা মানে উপনিষদে একদম স্পষ্টভাবে বলা আছে। আমাদের মানে পূর্বতন যে দল আমি ছিলাম এখানে কোনো স্নেহ ছিল না, আমার যতটুকু ধারণা কাজ করতে যাই কাজ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু বহু অনেক কথা আছে পরে আস্তে আস্তে হয়তো আমি স্পেস করবো সময় পেলে। আজকে এই অল্প সময়ে আপনাদের আর কিছুই বলব না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি, নমস্কার। আই ইহা মে মেরে সং ডায়েস মে সিএম হে ডেপুটি সিএম হে চিত্তু রঞ্জন দেব বর্মা ইএম হে। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क देम एनी क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के विषय में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी टू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। वी हर्ड दैट सम बोर्ड एमएलएस आर रेडी टू जॉइन फ्रॉम रूलिंग बीजेपी। आई एम नॉट श्योर, जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी, बट इफ़ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशंस, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता। দেখুন, একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, দুই দিন পরে, দুই মাস পরে, এক বছর পরে আরেক দলে গেলাম, তিন মাস পরে আরেক দলে গেলাম, এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয় না। বিজেপিতে তো আমি 17-তে যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত, এই বিকালবেলায় আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিঙ্কুইশ করেছি, আর এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি, কাজ করতে দেওয়া হয় না, এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। কী দিয়ে কাজ করব এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3,225 টাকা ছিল, আমি দরবার করে সিএমকে বলে যে এই যে 3,225 টাকা একটা চেয়ারম্যানের যে ভাতা মাস শেষ হলে, হ্যাঁ কী করবে এটা দিয়ে। আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 কাপ চা বিস্কিট অতিথিদের খাওয়াতে হয়, চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারের দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়ান, তারপরে গরিব গুর্ব অসহায় লোক আসে দিতে হয়, এটা চেয়ারম্যান না হলে আমি দেই, তখন 10,000 টাকা করা আছে। 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান হয় বাইকে করে দৌড়তে হবে, না সাইকেলে, না হয় গাড়ি হায়ার করতে হবে, গাড়ি হায়ার করলে তার মাসে কত খরচ, এটা হলো চেয়ারম্যানশিপের। তো প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি, নিজের টাকা নিজের গাটের টাকা খরচ করে ধর্মনগরে দৌড়াও, সাবরুমে দৌড়াও, কাহা তো করার, দলকে বারবার বলেছে কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেয়। অর্থাৎ যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই দেওয়া হয়, অথচ যারা কাজের না তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে কত রকমের এলাহি ব্যাপার আছে। আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, এই দলে অনেকেই থাকবে না, সবাই বেরিয়ে আসবে। এটা একটা গণতান্ত্রিক দল না, এটা তো একটা কী বলা যায় শরীরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। দিল্লিতে নরেন্দ্রভাই মোদী, আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এখন আরেক মুখ্যমন্ত্রী, সে একই পথে চলছে।
পত্রিকায় দেখলাম বুড়া ভাতা এই বৃদ্ধ ভাতা না সামাজিক ভাতা 2000 টাকা করা হয়েছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা তো শুভঙ্করের খেল, শুভঙ্করের ফাঁকি পড়েছেন আপনারা আগের দিন অঙ্কের মধ্যে আছে শুভঙ্করের ফাঁকি একটা ছড়া আছে এটা দিয়ে অঙ্ক সলভ করা যায় যে 1,001,000 সামথিং 35,000 কত বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা জমিয়ে আজকে 2000 টাকা করা হয়েছে মানে ললিপপ। এখন সাধারণ গরিব মানুষ 2000 টাকা পেয়ে খুশি, কিন্তু বাকি যে 1,35,000 যে আজকে 42 বছর ধরে তারা ভাতা পায়নি সেই টাকা যে জমে জমে এই টাকাই আবার তাদেরকে 2000 করে দেওয়া হয়েছে মানুষ খুশি হয়েছে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি একটা ঠকানো হলো না? এরপরও প্রায় 200 না কত কোটি টাকা বাড়তি থাকবে আর বাজেটের 400 কোটি টাকা তো আছেই, তাহলে এই 600 কোটি টাকা কোথায় যাবে? আপনাদের হিসাব করে বের করুন, আপনারাই খুঁজে বের করুন, এই হলো অবস্থা। যাই হোক, আমি ছিলাম দলে দীর্ঘদিন, আমি দলের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলবো না, শুধু এটাই বলতে চাই দলে একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে, এটাতে হয়তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষই এই দলে টিকতে পারবে না। পুনর্জন্ম আচাই কাতাল আচাইমণি সাল আং কাইসান এসা সুরে কাইসান সে যাবই কক সানি তুই আং না খাই এখনো কখনো কিসানো সাসি নাই তুই সিংহ বাই সিংহ টঙ্গু মায়ুং বাই মায়ুং টঙ্গু মাছা বাই মুসুই টংমাইয়া আং তুই থাইঞ্চা ন হামজাক নাই বোবা গেরানি থাইঞ্চা বাই ফাই অসম নানক অব থাকায় কপাইয়া ফাইনে আং সালি Okay, I'll just say something, then I want my EM also to speak on this. First of all, the notice has been sent to the State Election Commission. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that Brew ke liye sabse zyada fight maine kiya. Jab Kanchanpur mein hamare Brew ko खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में आप खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं गया एंड आई सेड ब्रू को त्रिपुरा में रहना चाहिए। अमित शाह इज ऑन रिकॉर्ड थैंकिंग मी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ब्रूस। I want the Brews to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, mera ek sapna hai ki one of the rehabilitated Brew in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ne isko continuously delay kiya. Ye accord sign kiya gaya 2020 mein. 2022 September end ho raha hai. Till now, because of internal politics, दो तीन एनजीओस जो कंचनपुर में बैठे हैं उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। द स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट, वी आर ऑल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गांव में सफर कर रहे हैं। आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस को, उसके बाद
I will react. Lekin, under no circumstances, politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, agar main aapko ek baat bol raha hu, ye NGOs log bolte hain ki permission lena chahiye humse kab aur kahan Bru ko settlement kiya jaye. Jab we settled people from another country, did we take permission from the Hanibusa? The government of India has given us a commitment that Brus have to be rehabilitated, and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because they have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education PW Chittu Babu, also has to say something on this. Regarding enrollment of the Bru people who were from another state, eta hocche ei je enrollment ta eta state government ebong election commission of india moddhe state government jodi chay special effort niye special provision er moddhe 10 diner moddhe aro কয়েক দিনের মধ্যে আর কিছুদিন বাকি আছে 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না এই কারণে ভোটার লিস্ট যে তৈরি করা হয় এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এক্টিয়ার ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকটোরাল অফিসার যেটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের কাছে তো বলটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে ওনাদের কোর্টে বলটা রেখে এডিসিকে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ঠেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে এক্সক্লুশন করার জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট করুক কারণ স্টেট যে ইলেকটোরাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ যে স্টেট ইলেকটোরাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয় তার মানে কি প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকটোরাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে এনলিস্ট করতে হবে তারপরে আসবে যেটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছেন এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল রোল তৈরি করার জন্যে এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য কিনা বলে সাফার করতে পারে না তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্তর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন এটা আমাদের আবেদন রইল No, actually, Pinaki, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, and education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, the Chakmas in Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, Purnam Animesh, I think hum log, we are suffering. Election nahi ho raha hai, matlab paisa nahi aa raha hai.
डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है। और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा जो सबके दिमाग में है और दिल में है, वो प्रमाण अखबार में आ जाएगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुंग बारा लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोगों का भी, हम लोग के पास भी दो तीन मूव्स और हैं। नो, यू सेड वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। अनलाइक सम पीपल, आई रीड द कॉन्स्टिट्यूशन सो आई नो यू शुड, दैट्स व्हाई। जोट अलायंस, अलायंस किसके लिए? आप मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया। आई थिंक चित्तू बाबू आपको भी ऑफर किया गया, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक अनिमेश यू आर ऑल्सो कहीं में। तिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा हूं। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो कब का हो जाता। मैं यहां में अपने लोगों को कुछ देने आया हूं, और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, एंड आई थिंक यहां में ऑल माय सीनियर लीडर्स आर हियर बारिंग विजय बाबू, ही इज एन अम्बासडर टुडे। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, अलायंस पैसे के लिए पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरासा लोग अपने 20 सीट में कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग एक रहे, थानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीटर के लिए है। वी वॉन्ट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख त्रिपुरासा पीपल। उसके बारे बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव त्रिपुरा मोथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को एक दो आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को त्रिपुरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो, तब हम बात करेंगे। उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं होगा। आई थिंक आई क्लियर इट एवरीथिंग। आई थिंक एनीथिंग यू वांट टू ऐड? किसी को और सवाल पूछना है? माय सीएम इज हियर, माय डेप्यूटी सीएम इज हियर आल्सो। आज ही ठीक, थैंक यू वेरी मच मीडिया, एंड आपके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स भी है। हम लोग त्रिपुरासा लोग फ्लैग देके ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है,
ये तीनों बुकुंग बारा का हाथ है, हम लोग पिपरासा लोग है, खड़ा हो, नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल ही काफी है, वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो जाए, कम 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 चित्र बाबू, यू ऑल्सो कम अनिवेश, कम 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 कम, अरे हम लोग का ये दिस इज बेटर, हाँ बस दिस इज बेटर, हाँ कम ये सीधा चित्र बाबू, थैंक यू थैंक यू।